विकीबी मराठीच्या दुपारच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. कळमेश्वर परिसरात विजेचा धक्का लागून 2 जावांचा जागेवरच मृत्यू. बेकोली कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यावर्षी साजरी होणार धूमधडाक्यात. बोनस म्हणून मिळणार 72,000 रुपये. आणि लखीमपूर येथील झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात आपतर्फे कॅन्डल मार्च. केंद्र सरकारचा केला निषेध. अच्छा ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. नागपूरच्या कळमेश्वर येथील दुर्गा मंदिर परिसरात नगरसेविका मीना शिरभाते यांच्या घराजवळ 2 महिलांचा करंट लागल्याने जीव गेल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही दुर्दैवी घटना मंगळवारच्या दुपारी झाली असून या घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मृत 55 वर्षीय मंजूबाई पुरुषोत्तम विरूळकर आणि 42 वर्षीय अलका विरूळकर हे कळमेश्वरच्या प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये राहतात. मंजूबाई दुपारी अलकाच्या घरी गेल्या होत्या. मंजू बाथरूमच्या दिशेने जात असता विद्युत ताराला मंजूचा हात लागला. तारामध्ये विद्युत प्रवाह चालू असल्याने करंटमुळे मंजू खाली पडली. मंजूचा आवाज ऐकून अलका तिला वाचवण्यासाठी धावली, पण मंजूला शॉक लागला होता. अलकाने हात पुढे करताच तिलाही करंट लागला, ज्याने दोन्ही महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. 2 महिन्याआधीच अलकाचे पती निरंजन यांचे निधन झाले होते आणि मंजूबाई शिक्षक कॉलनीमध्ये राहत होती. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपासानंतर दोघांना ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. या 2 महिलांच्या मृत्यूमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक आसिफ राजा शेख करत आहेत. कोळसा विभागाच्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या नजरा कोल इंडिया प्रबंधन व युनियनच्या बैठकीवर खेळल्या होत्या. दिवाळीला बंपर बोनस मिळणार असल्याची माहिती मिळताच वेस्टर्न कोल फील्डच्या कर्मचाऱ्यांचा आनंद गगनात मावत नसल्यानं दिसून येत आहे. दिल्लीत आयोजित बैठकीत कोल इंडियाचे अधिकारी, अनुषंगी कंपन्यांचे प्रमुख व विविध श्रमिक संघाचे प्रतिनिधी सामील झाले होते. तसेच या बैठकीत यावर्षी 72,500 रुपयांचा परफॉर्मन्स लिंक रिवॉर्ड देण्यात येण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. वेस्टर्न कोल फील्डतर्फे दरवर्षी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यात येतो. या बोनसची रक्कमही एवढी असते की सर्व सरकारी एजन्सीची नजर याकडे लागली असते. मागच्या वर्षी ही बोनस राशी 68,000 रुपये होती. यावर्षी युनियनने 1,00,000 रुपयांची मागणी केली होती, मात्र 75,000 रुपयांची मागणी पूर्ण झाली. बोनसची ही रक्कम 11 ऑक्टोबर आधी चुकवणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इथे नॉन एक्झिक्युटिव्ह श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांच्या रूपात जवळपास 34,274 कर्मचारी कार्यरत आहेत. संजीव नंदी या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की हा युनियनचा विजय असून या निर्णयामुळे विदर्भ व मध्य प्रदेश कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. रविवारी झालेल्या उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरी येथे झालेल्या हिंसाच्या विरोधात नागपूरमध्ये आम आदमी पार्टीतर्फे कॅन्डल मार्च काढण्यात आली. याच दरम्यान जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली सुद्धा वाहण्यात आली. सीताबर्डीच्या मुंजे चौक ते वेरायटी चौक केंद्रात तानाशाही सरकार आहे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांसोबत अन्याय करत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने या कॅन्डल मार्च दरम्यान केला. शेतकरी घरी परत असताना त्यांच्यावरून थेट गाडी नेण्यात आली ही खूप लज्जास्पद घटना असून याचा निषेध करत मंगळवारी संध्याकाळी आपतर्फे कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. 1987 मध्ये लोकप्रिय धारावाहिक रामायण मधील रावणाची भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ कलाकार अरविंद त्रिवेदी यांचे 4 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी मुंबई येथे निधन झाले असून ते 82 वर्षाचे होते. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांची मृत्यू झाली असून गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते असे सांगण्यात येत आहे. अरविंद त्रिवेदी यांच्या रामायण मधील गाजलेल्या रावणाच्या भूमिकेला सर्वत्र पसंती मिळाली होती. तसेच रामायण व्यतिरिक्त अरविंद विक्रम वेताळ अशा वेगळ्या धारावाहिक मध्ये सुद्धा नजर आले होते. नागपूरच्या झेंडा चौकात दारोडकरांच्या श्री मेहर ज्वेलर्सच्या नवीन शाखेचे उद्घाटन झाले आहे. या दरम्यान आमचे प्रतिनिधी अमोल शेंडे यांनी श्री मेहर ज्वेलर्सचे संचालक सुधीर दारोडकरांशी केली खास बातचीत. येणारे लग्न सोहळे आणि सोबतच सण लक्षात घेता नागपूरकरांसाठी एक मेजवानीच म्हणायला हरकत नाही, कारण नागपूराच्या मुख्य बाजारपेठेत म्हणजेच धरमपेडमध्ये दारोडकरचं नवीन ज्वेलरी शॉप सुरू होतं. आपल्याबरोबर सुधीरजी आता खूप खूप स्वागत आहे. एक नवीन शॉप आपण घेऊन येतो आहे, काय USP असणार आहे आणि भल्लं मोठं आपण हे शॉप जे आहे ते सुरू केलेलं आहे? सर, याच्यात USP म्हणजे आता याच्या आमचं म्हणजे नवीन जे ज्वेलरी सेक्टरमध्ये डायमंड ज्वेलरी पोलकी,
त्याच्यानंतर डायमंड लाईटवेट प्रॉडक्ट, हेवीवेट प्रॉडक्ट, अँटिक कुंदन प्रॉडक्ट आणि सोबतीला महाराष्ट्रीयन जे दागिन्यांमध्ये इनोव्हेशन करून त्यात महाराष्ट्रीयन आणि इतर गुजराती आणि मारवाड्यांचं जे ज्वेलरीचं एक सेक्टर होतं त्यात आम्ही फ्युजन करून एक नवीन कन्सेप्ट घेऊन येतो आहे बाजारपेठेत. सुधीरजी, मी असं म्हणेन की बाजारपेठेत पहिलेपासूनच बरीच दुकानं आहेत जी आहेत आणि आपण ह्या अशा बाजारपेठेत घेऊन आलो जिथे ऑलरेडी मोठे प्लेयर्स आहेत, तर आपल्याला काही कॉम्पिटिशन असं वाटतं, आपण काय तयारी केली? सर, मी स्पर्धेच्या वातावरणात कधीच राहिलेलो नाही आहे, म्हणजे आता गेल्या 25 वर्षापासून मी हा व्यवसाय करतो आहे, पण मी स्पर्धा हा विषयच ठेवला आणि स्पर्धा फक्त एवढीच ठेवली आहे की बघ, कामात ट्रान्सपरन्सी, क्वालिटी, प्युरिटी आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचं पालन करून ती स्पर्धा ठेवलेली आहे. बाकी ती इतर स्पर्धा नाही जी आपण म्हणताय. असं शेवटचा प्रश्न विचारेन मॅडम की कोणतेही आपण जेव्हा एखादा नवीन प्रोडक्ट बाजारपेठेत घेऊन येतो, काही ना काही ऑफर्स देतो ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी, असं कुठे ना कुठे नागपूरकरांना सुद्धा आशा असेल की दारोडकर जेव्हा आपला नवीन ज्वेलरी शॉप घेऊन येते तर काय घेऊन येणार का त्यांच्यासाठी? सर, स्पेशल ऑफर आहे आणि ती ऑफर 10/10/2021 टिल दिवाळीपर्यंत चालू राहणार आहे आणि त्याचा लाभ प्रत्येक ग्राहकाला मिळेल ही मी शाश्वती आणि गॅरंटी देतो. असं नक्कीच आपण आशा करूया की दारोडकर ज्वेलर्स नागपूरकरांसाठी एक चांगली ऑफर घेऊन येणार. आणि मी जसं की सांगितलं की सणासुदींचे दिवस सुरू झालेले आहेत, येणाऱ्या काही दिवसांमध्येच दिवाळी आणि त्यानंतर बरेच लग्न सोयसुद्धा होतील कारण लॉकडाऊनचा एक मोठा काळ गेला, लोकांचं सेलिब्रेशन थोडं कमी झालं आणि ते परत एकदा सुरू होईल तर नागपूरकरांना याचा नक्कीच लाभ होईल. कॅमेरामॅन रोशनसोबत मी VKB न्यूजसाठी अमोल. वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक, नागपूर. ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे. येत्या 7 ऑक्टोबर पासून नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ होत असून नवरात्रीत भक्तांना आता देवीचं दर्शन करता येणार आहे. कोविड नियमांचं पालन करून हे दर्शन घेता येणार असून प्रशासनाद्वारे देण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांचं पालन व्हावं म्हणून पोलिसांनी यासाठी आपली कंबर कसली आहे. भलेही यावर्षी गरबा खेळण्याला मान्यता मिळाली नसली तरी मंदिरात दर्शनासाठी भक्तगणांची रांग लागू शकते, त्यामुळे शहरातील 4,000 पोलिसांचा ताफा नवरात्र बंदोबस्तासाठी तयार करण्यात आला आहे. यासोबतच 800 होमगार्ड व SRPF दलही अतिसंवेदनशील भागात तैनात करण्यात येणार आहे. नवरात्रीला सगळ्यात जास्त भक्तगणांची मांदियाळी कोराडी मंदिरात असते, त्यामुळे या ठिकाणी मुख्य अधिकाऱ्यांसह 500 कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तैनात करण्यात येणार आहे. याशिवाय आग्याराम देवी मंदिर व पारडी येथील भवानी मंदिरातही तगडा बंदोबस्त करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या 2 लस घेतलेल्या भक्तांनाच प्रमाणपत्रासह या मंदिरात प्रवेश देण्यात येईल. तसेच ज्येष्ठ नागरिक व 18 वर्षापेक्षा लहान मुलांना मंदिरात प्रवेश वर्ज्य असणार आहे. नवरात्रीत जागरणाचे कार्यक्रमही आयोजित करण्यात येतात, मात्र यावर्षी परिस्थिती बघून या कार्यक्रमांना अनुमती देण्यात येईल. शहरातील 436 मंडळांनी परवानगी घेतली असून CP अमितेश कुमार यांनी नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले की मंदिरात दर्शनाला जाणाऱ्या सर्व भाविक भक्तांनी कोविड नियमांचं कठोरपणे पालन करावं. कोरोनाची सद्यस्थिती आटोक्यात असली तरी अजूनपर्यंत कोरोना संक्रमण संपलेलं नाही, तसेच ज्या नागरिकांनी लसीकरण केलेलं नाही त्यांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचं टाळलेलंच बरं. नागपुरात अंमली पदार्थ विभागाने 2 आरोपींकडून लाखो किमतीची MD ड्रग्ज जप्त केली असून दोन्ही आरोपींनी रायपूर येथून 71 ग्राम MD ड्रग्ज आणली होती, ज्यांना नागपुरातील लॉज मधून रंगेहात अटक करण्यात आली. नागपुरात MD ड्रग्ज संदर्भात 2 आरोपींना NDPS पथकाने कारवाई दरम्यान अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नार्कोटिक्स विभागाने हे काम नागपूरच्या संत्रा मार्केटमधील एका लॉजमध्ये केले. NDPSला माहिती मिळाली की 2 अज्ञात व्यक्ती लॉजमध्ये MD तस्करी करत असून त्यांच्याकडून 71 ग्राम ड्रग्ज, 7,17,500 रुपये जप्त करण्यात आले आहे.
दोन्ही आरोपींनी हे MD ड्रग्ज रायपूर येथून आणले होते. एका आरोपीचे नाव मोहम्मद सोहेल, रहिवासी चराईपूर, तर इतर आरोपी नितीन नागपूर रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. हमको गोपनीय माहिती मिली, उसके आधार पे हमने संतरा मार्केट के वहाँ एक लॉज पे कार्रवाई की करके दो लोगों को ताबे में लिए. उनके पास से लगभग 71 ग्राम MD पाउडर मिली है. ये अधिक पूछताछ करने के बाद उनसे पता चला कि ये लोगों ने रायपुर से माल लेके आए थे. मंगळवारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणूक मतदानाला सुरुवात झाली, मात्र इसासनी निवडणूक केंद्रावर 2 बूथ लागले नसल्याने निवडणूक रद्द करण्याची मागणी मतदारांनी केली होती. हिंगणा तालुक्यात 3 जिल्हा परिषद व 4 पंचायत समितीसाठी निवडणूक पार पडली, मात्र डिगडो इसासनी येथील भीमनगर या केंद्रावर बूथ क्रमांक 282 व 283 इथे EVM मशीनच उपलब्ध नसल्याने मतदारांमध्ये मोठा उद्रेक बघायला मिळाला. येथील मतदान रद्द करून नव्याने मतदान घेण्यात यावे अशी मागणी मतदारांतर्फे करण्यात आली. या संदर्भात काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस अधिकारी व तहसीलदार यांना निवडणूक रद्द करण्यासाठी निवेदनही दिले. वापस आया 5 नंबर में जा बोला. अच्छा. 5 नंबर से बालवाड़ी में जा बोला. इधर भी वोटिंग नहीं बोलते और इधर से इधर भेज रहे, इधर उधर भेज रहे मेरे. ये क्या है? वोटिंग कई बार नहीं है. वोटिंग रहती थी तो वहां से लिख के देते थे, क्या नाम होगा करके लिख के दिया ना मेरे को. तो भी नाम इधर 5 नंबर में गया, इधर भेजे, इधर से उधर भेजे, तो क्या करेंगे इसका? ये माध्यम से जो पब्लिक का तमाशा चल रहा है, ये हमको सहन नहीं हो रहा. इस माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि जिसकी सरकार है ये हिंगणा तालुका लेवल पे, वो जो आमदार होगा उसके माध्यम से खेल चल रहा है. ठीक है, ये खेल खत्म होना चाहिए. अगले 35 साल से जो यहाँ पे आज तक नहीं हुआ, ये आज पहली बार हो गया. इस माध्यम से इसको रुकावट आना चाहिए और ये बस्ती को न्याय मिलना चाहिए. हिंगणा तालुका लेवल पे ये दलित बस्ती है पूरी तरफ पे. यहाँ पे ये रोड नहीं बना, सिर्फ 0 डिग्री का रोड बन सकता है. ये भीमनगर का रोड. कहाँ पर रूटिंग था आपका? अब मेरा यहाँ भीमनगर में बचपन से आज से. क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं तीनों जगह से वापस आया, मेरा तीनों जगह फैला. नाम नहीं, नाम रहने के बाद नाम नहीं है. हमने आपको बताया था, हम सामान्य जनता के उम्मीदवार है, सामान्य जनता के पैसे पे खड़े हुए और हमारे साथ इस तरह की धांधली. हमारे वोटर को वोट नहीं देने गया. हमारे पास आज बातें करने के सिवा कोई चारा नहीं है. ये चुनाव रद्द किए जाए. देखिए बिल्कुल रद्द करना ही चाहिए ये इलेक्शन, क्योंकि मैं भोजपुरी सिंगर, मेरे घर का एक भी वोटिंग नहीं है यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन रद्द किया जाए. मैं आप लोग से हाथ जोड़ के जाता हूँ. आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा, भोजपुरिया सिंगर सनी सिंह राजपूत, तमाम छोटागण ईशासनी वाकधारा के, ये चुनाव डबल इलेक्शन होना चाहिए. मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इलेक्शन डबल से होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें घापा चोपी है. किसी का वार्ड में किसी का नहीं है वोटिंग, मेरे घर का एक भी वोटिंग में नाम नहीं है. तो मैं आप लोग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये इलेक्शन रद्द किया जाए. नागपुरातील मोतीबाग येथील माता मंदिर परिसरात सोमवारी तृतीयपंथी समुदायावर काही समाजकंटकांनी हल्ला केला, तसेच त्यांच्याशी दुरव्यवहार करत जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला व त्यांना जीवे मारण्याची धमकीही दिली. तृतीयपंथी गटाने या संदर्भात 5 पावली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के मोतीबाग के कला माता मंदिर के स्थित कुछ बस्ती है वहाँ पे. कल रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने किन्नर समाज के लोगों के साथ आके अत्याचार करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो हम उन्हीं से जानते कि यह मामला एक्चुअली है क्या. नमस्ते जी, मैं तमन्ना किन्नर, बट मैं घर में अपना खाना पीना खा रही थी और ज़बरदस्ती वो अन्ना वगैरह से घर में घुस गए और मारपीट करना चालू कर दी. मैं तो क्या हुआ क्या नहीं, तो बात भी नहीं करी, कुछ भी नहीं. पर मेरे घर का सामान, मेरे पैसे, अलमारी सलम सब तोड़ फोड़ करके ऐसे पूरा रख दिए कि आते कि औरतों को भी नहीं छोड़े, किसी को भी नहीं छोड़े. और औरत वैसे बंदी गंदी गंदी गाला बकना, यहाँ से पूरा तोड़ फोड़ करना, सब कुछ इतना गंदा, ज़्यादा मतलब अत्याचार. कहते पुलिस वाले कुछ भी नहीं,
इतने धंधे वाली। इसके बाद में भी उनके बारे में हम लोगों ने कंप्लेंट करे, उन लोगों ने पुलिस वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बार बार वो यही करता है, हमेशा आता है यहाँ पे शोर शराबा मारना पीटना बस्ती वालों को, ये धंधे करना और हमारे को भी तकलीफ देना, हमारे घरों में घुसना, हमारे को जोर जबरदस्ती करना कि हमारे के साथ में गंदे व्यवहार करो। फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग किसको बारे में किसको बताएंगे हमारे बारे में? तो आप लोग जीने के हक में कुछ नहीं है, हमें समाज में जीने का हक नहीं, हम किन्नर है, इसका मतलब हम अपनी आबरू और अपनी इज्जत हथेली पे लेके घूम रहे कि ले लो, हमारे तरफ से समाज नहीं है कि हम समाज में जी नहीं रहे हैं। आपके शरीर का खून लाल है और मेरा पीला है क्या? हमें भी हक और हमारी हक की लड़ाई है, हम चाहते कि समाज में जैसे आम आदमी जीते हैं, आम औरत जीती है, वो हक हमें मिले और हमारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और हम जिस चीज़ के लिए खड़े होते हैं उस चीज़ के लिए मेरे चार भाई भी खड़े हों, बस मैं इतना चाहती हूँ। और ये बस्ती वालों के लिए, इनकी देखो इनका नाम लल्ला बाई है, इनकी सुंदर सुंदर बेटियाँ हैं, उनको इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि मैं रेप कर दूंगा, मैं अपनी रात बिताऊंगा इनके दरवाजों पे जाके, ऐसा बोल के पत्थर मैडम से बात करवाओ। हमारे घर पे, हमारे घर में आदमी जात नहीं है, लड़की लड़की है, और खूब गाली दिया, गंदा गंदा मुंह चलाया। ये इनका ब्लाउज, और मेरे घर में दांत तोड़ दिया, मेरा लड़का जवान सो रहा उसके सामने बोल रहा है थिनाल अनीता, ये भाई के घर वाले, इनके घर वाले मेरे को बचाया, और उससे पहले मेरे को दो बार मारे इन लोगों ने, यहीं पर पैराडाइज आगे में हार्ट भी आया था मेरे को पहले, ये पैराडाइज का बीमार हूँ मैं, इतना अत्याचार कर रहे लोग तैयार करवा रहा है, और मेरे समधी को ऐसा मारेगा उसकी डेट हो गई, इन लोगों की जान गई है इनके दहशत से। ऐसी हालात में ये लोग अपना पेट भरेंगे या उन लोगों से झगड़े करेंगे या लड़ाई करेंगे? ये सवेरे शाम तक बेचारे दो रुपए कमा के लाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, तो अपना पेट भरेंगे कि अपना घर को तोड़ फोड़ में सुधारा करेंगे? ऐसे नुकसान करके गए हैं, अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे, कैसे जियेंगे ये गरीब बच्चे? भी क्या तीन चार साल से अत्याचार करा, फिर भी हम भैया 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 करे, पर वो कमजोर लोग को भरे नवरात्रे में पंचमी की पूजा में हम भजन कर रहे थे, मेरे ससुरे को उठा के ला के मारा संध्या, गलत शब्द का बोला, बार बार हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट के मामले में पुलिस वाले कुछ दर्ज नहीं करते हैं, कुछ नहीं, हम लोगों के लिए कुछ करते नहीं है, ये देखो हमेशा का नाटक है, हमेशा का, ये कौन सुनेगा, ये कौन तकलीफ झेलेगा? यह है दर्ज, दर्ज करने के बाद में भी हमारे लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई न्याय नहीं है, लिख दिए हो गया, बहुत परेशान क्या बोला दर्ज करे, कल फिर और बड़े बड़े लाऊंगा इसको, तो बाल पकड़ पकड़। पांच पावली थाना के विक्रांत महादेव धारकर ने हम लोग जब ज्यादा बोले तो बोला शट योर माउथ, आप लोग चुप रहिए, और हमने FIR की जब कॉपी मांगी, FIR का रिपोर्ट जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसकी रिपोर्ट हमको तुरंत जेरोक्स देनी चाहिए, उन्होंने जेरोक्स तुरंत नहीं दी, उन्होंने बोले मॉर्निंग में आकर ले जाइएगा, और अन्ना यहाँ से जाते जाते हम लोगों को धमकी भी देकर गया, आज तो कम हुआ है, कल और रिवॉल्वर आएंगे और कल और ज्यादा लड़के और मर्डर होगा यहाँ पर। और हमारी ननद और मेरी सास इधर रहती है, हम लोग समता नगर में रहते, इसको बाल पकड़ पकड़ के आज से दो साल पहले इतना मारा, इतना कि बचाने वाले भी भाग गए, फिर भी हमने डर के मारे, हमारा आदमी लड़ेगा मुसलमानों से हम कहाँ जीतेंगे, डरा डरा के। पुलिस इस वक्त पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? पुलिस प्रशासन चली जाती है, उसको पकड़ लेती है, छोड़ देती है, और ये मेरी बड़ी माँ इनकी, और ये गरीब भी बस्तियों में ज्यादा दादागिरी दिखाता है, दांत तोड़ा दो साल के बने, चारों बच्चे को मारा, इनके दांत तोड़ा, आज वो अम्मा के दांत तोड़ा, क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है, ये गरीबों से उनको क्या प्रॉब्लम है? तू इस जगह रहा, इस जगह रहा, दोस्ताना बनाया इन लोगों के साथ, तेरे को जगह मिली और आज तू उनपे ही शेर हो रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अरे तू अपनी जिंदगी जिए, इनको अपनी जिंदगी जीने दे, तू भी बच्चे वाला है, ये भी सब अपने घर में बाल बच्चे माँ वाले है, तो इनको क्यों परेशान कर रहा है वो? क्या गलती है इस बस्ती में, उसका क्या लेना देना है? कोई बीबी है, कोई तेरी बहन है, कोई तेरे सगे चौधे जो यहाँ आता है, तू बताना कि तेरा किस औरत से रिश्ता है, तू आ और उसको ले जा, हम यही चाहते, बाकी गरीबों को परेशानी नहीं चाहिए, ये सब हमारे माँ बहन है, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ पर ये मेरे रिश्तेदार है, मेरी माँ बहन है, और हम इनके लिए हर जगह खड़े रहेंगे, और वो हमको अगर रोकता है, हमको अगर रोकता है रास्ते में, उसके लिए भी हम लड़ने को तैयार है, हम उससे नहीं डरते, पर हम अपने परिवार से डरते हैं, और वो हमारे मुँह पे आता ही नहीं। खाना खा रहे थे हम दोनों जन, वो अंदर आया, हम दोनों को मारपीट करने लगा, तो हम
हमारी जान वास्ते बचाने के वास्ते हम घर के बाहर भागे। हमारे घर में के सिलेंडर उसने गिराए, हमारे घर में के घर फोड़ कर पूरा एक कर दिया उसने। हमारे घर में पैसे थे, पैसे चोरी हो गए हमारे घर में के पूरे। और हमारे क्या बोलता, तुम हिजड़े बोले, तुम छक्के लोग यहाँ कैसे रहते बोले, तुम्हारी माँ छोड़ूंगा, तुम्हारे माँ बहना धंधे में बिठाऊंगा, ऐसे गाले गाले दे रहा था पूरे वो। मंगलवार नागपुरात अखिल भारतीय काँग्रेस चे प्रवक्ता मोहन प्रकाश यांची पत्र परिषद आयोजित करण्यात आली होती। या पत्र परिषदे दरम्यान मोहन प्रकाश यांनी केंद्र सरकारच्या नीतिमत्तेवर प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकार तानाशाही सरकार असल्याचं सांगितलं। त्यांनी लखीमपूर इथे काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्यासोबत झालेल्या दुर्व्यवहाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले। अमानवीय व्यवहार कर रही है दोनों के प्रति, अन्य दलों के साथ भी उन्होंने किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी अत्याचार योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है, वहां पर प्रियंका गांधी गई है उनकी सहानुभूति, और हर जगह प्रियंका गांधी जी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी हुकूमत रही है, लेकिन एक जगह बता दीजिए कि विपक्ष के लोगों को घटनास्थल पर जाने से रोका या अपमानित किया हो। हां, कई बार सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसमें जरूर रुकने की बात होती है। लड़ाई अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रही हमारी सड़क पर, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ के खींचा गया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के को पकड़ के खींचा गया, राहुल जी को पटक दिया गया, कौन सा राज्य ऐसा है जहां के हमारे लोग लगातार, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, कोरोना के अंदर जब परेशान थे लोग, तब युवा कांग्रेस और कांग्रेसी पार्टी थी, जब लोग मजदूर पैदल आ रहे थे, एक भी काली टोपी वाला दिखाई पड़ा क्या मदद करते हुए, हाफ पैंट पहने हुए? चिल्ला के कहा कि पैसा कहां से लाओगे, और मोदी ने तो कहा कि यह खंडहर है। लेकिन जानते हैं, 35,000 करोड़ रुपए से पहली बार मनरेगा शुरू किया गया। कब? 2008 में, जब दुनिया के बैंक फेल हो रहे थे। लेकिन वो किसको गया पैसा? वो 35-37 हजार करोड़ रुपया उन लोगों की जेब में गया जो एक रुपया भी बाइंग कैपेसिटी वाले नहीं थे। ठीक है, तो जब उसके पास पैसा गया तो वो पैसा मार्केट में आया। किसी ने साइकिल खरीदी, किसी ने साबुन खरीदा, किसी ने छोटा मोबाइल खरीदा, या किसी ने एक कमरा बनाया, तो वो जो पैसा था 37,500, छोटा उदाहरण दे रहा हूं, ये पैसा मार्केट में गया। और मार्केट में गया तो मार्केट खड़ा हुआ, और मार्केट खड़ा हुआ तो इकोनॉमी भी खड़ा हुई और रोजगार भी बढ़ा। दुकान में अगर कोई माल खरीदने नहीं आएगा तो उस माल को बनाने वाली कंपनी भी बैठ जाएगी। हर चीज को, हर जो इस तरह का एकाधिकार करने का काम, देखिए दो चीज इसमें है एंगल। एक एंगल ये है कि आप सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं जो कि इस देश की आर्थिक आजादी की प्रतीक हैं, आत्मनिर्भरता की प्रतीक हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा अपराध है, वो अपने मित्रों को दे रहे हैं ताकि उनका उस क्षेत्र पर एकाधिकार हो जाए, ये उससे बड़ा अधिक अपराध। तर वीकेबी मराठी न्यूज मध्ये एवढंच, पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह। बघत रहा वीकेबी न्यूज, नमस्कार।